हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 25 जुलाई के हैं। जल्द ही हमारे और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के हाई कोर्ट में किस महिला को पहली बार चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा न्यायाधीश सैयदा ताहिर सफदर बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने से हाल ही में किस दल ने महाराष्ट्र बंद की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा मराठा मोर्चा ने, लेकिन इसके बंद में मुंबई, सतारा, सोलापुर और पुणे को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसमें आंसर आएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागेमा के बीच 23 जुलाई 2018 को किगाली में प्रतिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसमें आंसर आएगा 8 समझौतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा जर्मनी में। और भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है और फाइनल में भारतीय टीम फ्रांस से हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, यह रिपोर्ट एटी केरनी नामक संस्थान ने जारी की है। नेक्स्ट है, इस बार भारत को 11वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में 25 देशों को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आंसर आएगा एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी असम के निवासियों की सूची है और जो लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का हिस्सा नहीं है उन्हें अपने आप विदेशी घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उड़ीसा का जनजातीय एटलस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा नवीन पटनायक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु किस सामाजिक संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसमें आंसर आएगा ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा हाट्स पर भारत बांग्लादेश की पहली संयुक्त बैठक कहां संपन्न हुई? तो इसमें आंसर आएगा त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की श्रेणी में 2017 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को पुरुषों की श्रेणी में 2017 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और हाल ही में छेत्री बैचेंग भूटिया के बाद 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही शेख तकर कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर आएगा शेख तकर कमेटी के गठन का उद्देश्य है सशस्त्र बलों की मुकाबला क्षमता बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विधेयक 2017 को पास कर दिया है जो संबंधित है। तो इसमें आंसर आएगा यह बिल संबंधित है चेक बाउंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विधेयक 2017 के अनुसार चेक बाउंस होने की स्थिति में मामला अदालत में जाने पर चेक जारी करने वाले को कितना प्रतिशत दंड पर ब्याज देना पड़ेगा? तो इसमें आंसर आएगा 20% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना व बाल बचत योजना की न्यूनतम वार्षिक जमा राशि
1000 रुपये से घटाकर कितनी कर दी है? तो इसमें आंसर आएगा 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व को मिस एशिया द्वीप 2018 का ताज पहनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा देशना जैन को। इन्होंने ताइवान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और इतना ही नहीं, मिस डेफ वर्ल्ड में भी देशना जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को बदलते हुए दिल्ली में किस जगह पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन को फिर से इजाजत दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा जंतर मंतर और बोट क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही राजीव गौबा कमेटी का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर आएगा मॉब लिंचिंग का अंत। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा चाइल्ड लाइन 1098 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रश्न, सशक्त परियोजना बुरी ऋण में सुधार करने के लिए 5 स्तरीय रणनीति का प्रस्ताव निम्नलिखित समिति में से किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आंसर आएगा बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 23 जुलाई 2018 को इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पंजाब नेशनल बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता की अगुवाई वाली समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया और सशक्त परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह बानो केस निम्नलिखित में से किस निर्णय से संबंधित है? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, जिसे शाह बानो मामले के रूप में जाना जाता है, भारत में एक विवादास्पद मुकदमा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के रख रखाव के पक्ष में निर्णय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा हाट बांग्लादेश और भारत के बीच एक सीमा व्यापार बाजार है। निम्नलिखित मुद्रा में सीमावर्ती हाटों पर व्यापार करने की अनुमति है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय रुपये और बांग्लादेशी टका में सीमावर्ती हाट पर व्यापार करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने आरटीआई के तहत देश और विदेश में भारत के पास मौजूद काले धन से जुड़ी कितनी रिपोर्ट्स को साझा करने से इनकार कर दिया? तो इसमें आंसर आएगा 3 रिपोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा अर्जेंटीना में, और इस बार का विषय व्यापार संरक्षणवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इसके अनुसार केरल सबसे प्रशासित राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सबसे खराब प्रशासित राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रिपोर्ट पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों ने खाली प्लास्टिक बोतलों को वापस खरीदना आरंभ कर दिया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धावक मोहम्मद अनस याहिया ने चेक गणराज्य में हुए एक इवेंट में कितने मीटर रेस में 45.24 सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतकर दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपके ऑप्शन है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय प्रजाति पेंगोलिन की तस्करी रोकने के लिए एक स्पेशल अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और मणिपुर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोस की अपडेट पा सकते हैं।